हेलो एवरीवन, नमस्कार, राधे राधे। वेलकम टू अवर चैनल एलिगेंट क्लासेस। जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, आज की वीडियो में हम इंडिसेजेंट सर्च पढ़ रहे होंगे, और जो कि बेसिक टू एडवांस लेक्चर की सीरीज है, तो हम बिल्कुल बेसिक से जाएंगे। बस आपसे एक निवेदन है वीडियो शुरू करने से पहले कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें अभी जाकर, और अगर आप वीडियो को अंत तक देखें या वीडियो पसंद आए, आपकी प्रिपरेशन में कुछ वैल्यू ऐड हो रही हो, तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें। तो आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं करता हूँ आज की वीडियो शुरू, और देखते हैं आज हम क्या बेहतर और क्या बेहतर से बेहतरीन कर सकते हैं। तो इंडिसेजेंट एंड सर्च, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि इंडिसेज एंड सर्च होते क्या है, क्या डिफरेंस है, इन्हें क्यों इंडिसेजेंट सर्च कहते हैं, इनका मतलब क्या है, ठीक है। चलिए, टॉपिक है अपना इंडिसेजेंट सर्च। तो राइटिंग इतनी बकवास है। इंडिसेस एंड सर्च, ठीक है। इंडिसेस, इंडिसेस को अपन पावर भी कहते हैं, ठीक है। लाइक एक्स की पावर एन इज कॉल्ड इंडिसेस, ठीक है। ये जो पावर होती है उन्हें ही हम इंडिसेस कहते हैं। तो इसके कुछ लॉज होते हैं, अभी अपन सर्च में भी आएंगे, सबसे पहले इंडिसेस करते हैं। इसके कुछ लॉज होते हैं, कैसे x की पावर 0 इज ऑलवेज बी 1, जैसे 2 की पावर 0 1, 3 की पावर 0 1, किसी भी वेरिएबल या किसी भी नंबर के ऊपर अगर पावर 0 है तो हमेशा वो 1 होगी, ठीक है। और मैं लिखूं x की पावर माइनस n, क्या होगा इसका मतलब होता है 1 अपॉन x की पावर n। जैसे मैं लिखूं 3 की पावर माइनस 1 तो क्या होता है इसका मतलब 1 बाय 3, 3 की पावर माइनस 2 तो 1 बाय 3 स्क्वायर, ठीक है। और अगर मेरे पास लिखा है 1 बाय 4, तो इसको मैं 4 की पावर माइनस 1 लिख सकता हूँ, या इसको 2 स्क्वायर लिख सकता हूँ, और इसको ऊपर जाकर 2 की पावर माइनस 2 लिख सकता हूँ। इतना क्लियर, ठीक है। और लिखते जाओ, बस जो जो रूल्स लिखवाए जा रहा हूँ वो लिखते जाओ। इसके अलावा एक्स की पावर एन, एम और एक्स की पावर अगर एन है, अगर बेस सेम है इनका तो ये पावर ऐड या सब्ट्रैक्ट होती हैं। अगर ऊपर जा रही है तो ये ऊपर वाली तो प्लस में ही होगी ऑब्वियसली, और ये ऊपर जा रही है तो ये नेगेटिव होगी जाएगी, या ऐसे लिख सकते हो। सबसे पहले ये समझ आया। और हमेशा याद रखना, अगर बेस सेम है तो पावर ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं, ठीक है। जिसमें क्या था, एम माइनस एन, तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स की पावर एम माइनस एन, ठीक है। अगर मेरे पास आया एक्स की पावर एम और x की पावर n, दोनों पॉजिटिव हैं तो ऐड हो जाएंगी, x की पावर m प्लस n होगा। इतना समझ आया। फॉर एग्जाम्पल 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 4 क्या होती है, इसे हम 2 की पावर 7 भी लिख सकते हैं, ठीक है। एक और एग्जाम्पल, 2 की पावर 5 और अब 2 की पावर 2 है, ये नीचे है ये ऊपर जाएगी तो नेगेटिव में होगी, तो 2 की पावर 5 माइनस 2 भी लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 होगा इसका आंसर, ठीक है। आ रहा है समझ, बिल्कुल बेसिक से लेके चलूंगा, बिल्कुल बेसिक से, ठीक है। चलो अगला, एक एक चीज नोट करते जाना है बस, बाकी मेरे ऊपर छोड़ दो। देखो, माना कि ऐसे है, इसका मतलब क्या होता है, एक्स की पावर एम इंटू में एन। फॉर एग्जाम्पल 3 की पावर 2 और ब्रैकेट के बाहर लिखा है 3, तो हम इसे 2 इंटू 3 भी लिख सकते हैं, या 3 की पावर 6 भी लिख सकते हैं, ठीक है। और एग्जांपल ले लो, क्या होगा, 5 की पावर 3 इंटू 7 21, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज़ होती है, बहुत बच्चे इनमें कंफ्यूज होते हैं कि सर ये सेम है अलग अलग है, ये अलग है और ये अलग है, इनको कभी भी सेम मत सोचना। इसका मतलब होता है x की पावर m की पावर n, इसे m से लिख सकते हैं। जैसे एग्जांपल लो, टू की पावर 2 3, ठीक है, तो इसे हम 2 की पावर 8 लिखेंगे, ना कि 2 की पावर 6। ये बहुत बेसिक चीज़ है, इन्हें समझ लोगे तो इंडिसेस एंड सर्च में कभी भी धोखा नहीं खाओगे, ठीक है। क्वेश्चन काफ़ी इजी होते हैं इनके, अगर तुम्हें इनके सारे रूल्स पता है तो। इतना है समझ, ठीक है। जैसे 5 की पावर 2 4 है, क्या लिखोगे, इसका मतलब क्या है, 5 की पावर 16 है, ना कि 5 की पावर 8, ठीक है। और तुम्हारे पास आया 5
टू क्या लिखोगे, एच पी और एट, ये अलग है, इनको हमेशा याद रखना है। ठीक है आगे बढ़े, और क्या रह रहा है इसमें? ठीक है, तुम्हारे पास अगर ऐसा कुछ है, देखो वैसे तो ये जो रूट होता है इसकी पावर हाफ होती है, ठीक है, अगर कुछ भी ना दिया हो तो इसका मतलब पावर हाफ है, तो इसे अपन एक्स की पावर 1/2 लिख सकते हैं, ठीक है। बट अगर यहाँ पे कुछ दिया हो, 3 दिया हो, तो ये हो जाएगा एक्स की पावर 1/3, ठीक है। अगर यहाँ पर गिवन हो 5 या 4 या 3 जो भी है, तो सिर्फ ये 1/5 हो जाएगा, ठीक है, हुआ क्लियर इतना। चलो और क्या बताया, अगर बेस सेम हो, अगर बेस सेम हो तो पावर एड या सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं, और अगर बेस डिफरेंट और पावर सेम हो तो क्या करेंगे? मान लो बेस डिफरेंट है, ठीक है, क्या करोगे? तो इस कंडीशन के अंदर हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल 2 की पावर 3 एंड 3 की पावर 3 है, तो हम इसे 6 की पावर 3 भी लिख सकते हैं, या 5 की पावर 2 इंटू 10 की पावर 2 है, तो हम इसे 50 की पावर 2 भी लिख सकते हैं। हुआ क्लियर? बिल्कुल बेसिक, चले आगे। चलो और कुछ बच रहा है इसमें? चलो बस लिखते जाना, क्वेश्चन भी आएंगे अभी आगे आगे, बहुत अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। और तुम्हारे पास अगर ये है, ठीक है, और बाहर गिवन m, भाई बताया ना अगर x की पावर m है तो इसका मतलब होता है x की पावर 1/m होता है, कितना समझ आया? ठीक है, अगर ऐसा हो तो क्या करोगे? तो x की पावर m तो है ही, ये हो जाएगा 1/m, तो इसे हम लिख सकते हैं x की पावर n अपॉन m, ठीक है। कुछ डाउट, कुछ भी डाउट हो तो कमेंट में जरूर बताना है, ठीक है। चलो आगे, पावर वाले समझ आए? और मान लो ऐसा कुछ है, अगर इक्वल टू में है और बेस सेम है तो पावर भी हमेशा सेम होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ऐसे क्वेश्चन आए होते होंगे, तुमने देखा होगा x की पावर n माइनस 2 इज इक्वल टू x की पावर n प्लस 2 है, ठीक है, तो x x सेम है तो बेस सेम है तो पावर भी सेम होनी चाहिए, तो n माइनस 2 इक्वल टू n प्लस 2 हो रहा होगा, तो 2n हो गया ना, इससे 2n कर लो यार, ठीक है, तो 2n, तो अगर वहाँ पे जाएगा तो n बचेगा इक्वल टू माइनस 4, तो n की वैल्यू क्या आएगी? माइनस 4, ठीक है। ये होता है अपना इंडिसेस, और ये होते हैं कुछ उसके लॉज, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं अपने सर्ड्स पे, इसके क्वेश्चन भी है, फिर क्वेश्चन करेंगे तो वो डाउट क्लियर हो जाएंगे, कुछ भी डाउट नहीं रहेगा, टेंशन मत लो, बस करते जाओ, ठीक है। अब सर्ड्स पे आओ भाई, सर्ड्स क्या बीमारी है? सर्ड्स एक मान लो जैसे रेशनल नंबर होते हैं वो नहीं सर्ड्स कहते अपन, जैसे रूट 2, रूट 3, रूट 5। अब इरेशनल नंबर क्या होते हैं? तो इरेशनल नंबर समझने से पहले समझो कि रेशनल नंबर क्या होते हैं। रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो ऐसा होल फॉर्म में हो या पी बाय क्यू की फॉर्म में लिखे जा सके, और क्यू हमेशा नॉट इक्वल टू जीरो होता है। जैसे 2 इज अ रेशनल नंबर, 3 इज अ रेशनल नंबर, 4 इज अ रेशनल नंबर, 5 इज अ रेशनल नंबर, सारे जो नेचुरल नंबर होते हैं वो रेशनल नंबर ही कहलाए जाते हैं। जैसे 2 है तो 2 को अपन पी बाय क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे 8/4, ये भी 2 जाता है, तो पी बाय क्यू की फॉर्म में है, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो है, ये भी सही है। 16/8, ये भी 2 होता है, ठीक है। 48/24, ये भी 2 होता है, तो पी बाय क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, उन नंबर को अपन रेशनल नंबर कहते हैं, और जो पी बाय क्यू की फॉर्म में ना लिख सके उसे हम इरेशनल नंबर कहते हैं। जैसे रूट 2 की वैल्यू क्या होती है? 1.41214, तो जाते जाते हैं, तो अपन कभी भी इसको होल नंबर की फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है। रूट 3 1.73 समथिंग होती है, इसकी 2 पॉइंट समथिंग होती है कुछ, तो इन्हें कभी भी अपन होल नंबर में नहीं लिख सकते, तो ये नंबर
इरेशनल नंबर कहलाते हैं, ठीक है। रूट फाइव हो गया, रूट सेवन हो गया, ठीक है। एक और चीज कि रूट नाइन बताओ रेशनल है इरेशनल है, तो रूट नाइन एक रेशनल नंबर है क्योंकि रूट नाइन होता है थ्री और थ्री होल नंबर है, और इसे अपन पी बाय क्यू की फॉर्म में भी लिख सकते हैं या लिख सकते हैं, ये भी थ्री है, ये भी थ्री है, और ये भी थ्री है, तो ये एक रेशनल नंबर है। ये रेशनल नंबर जो पी बाय क्यू की फॉर्म में कभी भी ना लिखे जा सके, ठीक है। एक और चीज ये बताओ, ये रेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है, तो ये भी एक रेशनल नंबर है, कैसे, इसे क्या लिख सकते हैं, माइनस फाइव का क्यूब, ठीक है, ठीक है। एक सेकेंड, एक सेकेंड, माइनस 25 लो वो नहीं, तो इसे हम माइनस फाइव का स्क्वायर लिख सकते हैं, और स्क्वायर माइनस हमेशा खा जाता है, ठीक है, याद रखना, स्क्वायर अगर कभी भी माइनस हो, जैसे माइनस टू हो उसका स्क्वायर हो, तो हमेशा माइनस टू का स्क्वायर क्या आएगा, फोर आएगा, ये स्क्वायर हमेशा माइनस खा जाता है, और अगर क्यूब हो या पावर ऑड हो तो हमेशा माइनस बाहर आएगा, ठीक है। अगर पावर इवन हो तो माइनस खा जाता है, ठीक है, पॉजिटिव आता है हमेशा, ये चीज याद रखना, ठीक है। और इसका क्या आएगा, माइनस फाइव का स्क्वायर क्या होता है 25, और माइनस है तो ये खा जाएगा, तो ये रूट, तो इसे हम 5 ही लिखेंगे सीधा, ठीक है। तो ये एक रेशनल नंबर है, सॉरी रेशनल नंबर, रेशनल नहीं है। चलो क्वेश्चन करें, और कुछ बचा रहा है, ठीक है। एक चीज और याद रखना, एक होता है टॉपिक तुम्हारा कॉन्जुगेट, सभी चीज बता रहा हूं इसमें, कॉन्जुगेट क्या होता है, जैसे 3 प्लस रूट टू कॉन्जुगेट है 3 माइनस रूट टू का, ठीक है, या 5 प्लस रूट थ्री कॉन्जुगेट है 5 माइनस रूट थ्री का, सेम नंबर होने चाहिए, बस साइन चेंज होने चाहिए, ठीक है, ये एक दूसरे के कॉन्जुगेट होते हैं। इसका मतलब होता है कि 3 प्लस रूट टू ऑलवेज इक्वल होगा 1 बाय 3 माइनस रूट टू के, और ये 5 प्लस रूट थ्री इज इक्वल टू ऑलवेज इक्वल होगा 5 माइनस रूट थ्री के, या 5 माइनस रूट थ्री हमेशा इक्वल होगा 5 प्लस रूट थ्री के, आया समझ में। ये चीज होती है, ये होते हैं कॉन्जुगेट, याद रखना, लिख लेना कॉपी में, इनके बेस में क्वेश्चन आते हैं, मतलब क्वेश्चन में ये नहीं बोलेगा कि कॉन्जुगेट है, सिर्फ क्वेश्चन देगा, अगर तुम्हें चीज़ें पता है और अप्लाई कर सकते हो इजीली, इसके क्वेश्चन भी हैं, तो तुम्हारा आंसर बहुत जल्दी आएगा, ठीक है। चले और कुछ बच रहा है, और कोई टॉपिक, ठीक है यार, हो गया, क्वेश्चन करें, चलो पहला क्वेश्चन करो। अब देखना क्वेश्चन सारे होंगे, बस जो चीज़ें बताई हैं वो याद रखना और नोट्स करते जाओ उनको, नोट्स नोट नोट करते जाओ। चलो पहला क्वेश्चन क्या है, 2 की पावर, ट्राई करने पहले क्वेश्चन, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को पहले ट्राई करें, उसके बाद ही सॉल्यूशन देखना है, सीधा सॉल्यूशन देखने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। एन की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, तो या तो ये ऊपर जाए, ऊपर तो जाएगा, ठीक है, तो उसकी पावर माइनस में होगी सबसे पहली चीज़, और 8 क्या होता है, 8 को अपन 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, होता ही है ना 2 की पावर 3, और अगर अपना ऐसा हो 2 की पावर 3 ऊपर ले जाना हो तो 2 की पावर माइनस 3 होगा, ठीक है, तो 2 की पावर 2n माइनस 1 है, इतना समझ में आया, इसे हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3, और बाहर क्या है n माइनस 3, ठीक है भाई, इतना क्लियर, आगे मिटा दो, ठीक है, 2 की पावर 2n माइनस 1 इज इक्वल टू हो गया, ये ऊपर जाएगा तो माइनस में पूरी पावर माइनस 3 एन माइनस 3, ठीक है भाई। अभी बताया था अगर बेस सेम हो और इक्वल हो तो उनकी पावर भी हमेशा इक्वल होती है, तो 2 की पावर n माइनस 1 इक्वल होगी माइनस 3 एन माइनस 3 के, ये तो पूरा मेथड है सोल्व करने का, फिर ट्रिक बताऊंगा, देखो ठीक है, तो 2n माइनस 1 इज इक्वल टू होगा, ये ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो माइनस 3 बनेगा, प्लस में 9 बनेगा, और ये इधर जाएगा
सो इधर लिखाओगे तो 5n इज इक्वल टू 10 बनेगा, तो n की वैल्यू 2 आ रही होगी। ऑप्शन में है 2 है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, और क्या कर सकते हो उसमें? एक तो सीधा ये मेथड है कि तुम पूरा इक्वेशन सोल्व करो उसके बाद आंसर लाओ। एक मेथड होता है इसका कि अगर तुम थोड़े बुद्धिमान हो तो सीधा ऑप्शन से भी ट्राई कर सकते हो। देखो 2 रख के दोगे इसमें, 2 की पावर 2n-1, तो 2 यहाँ पे रखोगे तो 2 की पावर 4-1 क्या हो गया, 2 की पावर 3 क्या होता है, 8 होता है। ऐसा 8 नहीं होता, ऐसा 8 होता है। ठीक है, यहाँ पे रखो 2 की पावर 2-1 तो क्या बनेगा, 1/8 और ऊपर जाएगा तो 1/8-1 बनेगा और ये ऊपर जाएगा तो 8 ही होगा, इक्वल आ रहा है तो अपना 2 सही है। ठीक है, इसके लिए तो थोड़ा तुम्हें प्रैक्टिस की जरूरत है कि तुम ऑप्शन से पहचान सकते हो कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चलो अगला। इसे पहले ऑप्शन से ट्राई करना, देखना बहुत जल्दी आंसर निकाल लोगे। हमें आंसर लाना है यार, कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में आंसर लाने की जरूरत होती है। कॉन्सेप्ट नहीं पूछ रहा कोई भी कि कैसे क्या किया है, बस आंसर लाओ और आगे बढ़ो, करो ट्राई। देखो पहला ऑप्शन से करें एक बार। ठीक है, 2 रख के देखो, 2 की पावर 6 बनेगा माइनस 2 की पावर 4 बनेगा, 2 की पावर 6 बनेगा माइनस 2 की पावर 4 बनेगा, 3 आ पाएगा क्या? बिल्कुल नहीं आ पाएगा भाई, 2 की पावर 5 ही 32 होता है तो ये 64 समथिंग पहुंच गया होगा, फिर 16 रह गया तो बिल्कुल नहीं आ पाएगा, इसको हटा दे जल्दी। 2 की पावर -2 रख, तो -2 रखेगा तो 2 की पावर 2 बनेगा, -2 रखेगा तो 2 की पावर 0 बनेगा, ये 4 होता है ये 1 होता है तो 3 आ गया, खत्म। और ऑप्शन चेक ही नहीं करने, तो ऑप्शन बी सही ऑप्शन होगा। ठीक है, अब कॉन्सेप्ट भी देखो, हमें आंसर लाना है, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, जरूरी है, पर एग्जाम्स में नहीं, एग्जाम्स में आंसर करो आगे बढ़ो। देखो 2 की पावर n प्लस 4 माइनस 2 की पावर n प्लस 2 था इक्वल टू में 3 है, n की वैल्यू निकालनी, कैसे करोगे? हमें पता है अगर बेस सेम हो तो पावर ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं। चलो इतना समझ आया, क्योंकि बेस सेम है अगर होगा तो 2 की पावर n प्लस 4 ही बन रहा होगा। ठीक है, ये 2 की पावर n, ये 2 की पावर n कॉमन ले लूँ, ले लिया, क्या बचेगा अंदर, 2 की पावर 4 माइनस 2 की पावर 2। ठीक है भाई, 2 की पावर 4 क्या होता है, 16 माइनस 4 कितना बचेगा, 12, तो 12 2 की पावर n इज इक्वल टू 3। ठीक है, अब 12 को नीचे भेज दूँ तो बन रहा होगा 2 की पावर n 1/4, 2 की पावर n 2 की पावर 2 और ऊपर आएगा तो 2 की पावर माइनस 2 इक्वल होगा, तो 2 की पावर n इक्वल टू है 2 की पावर माइनस 2 के, बेस इक्वल है तो पावर भी इक्वल होगी, तो n की वैल्यू माइनस 2 ही आ रही है। ये आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो कि हमारा सही है गलत है। ठीक है, चलो अगला, पहले ऑप्शन से करें ट्राई, उसके बाद कॉन्सेप्चुअली भी कर सकते हैं वीडियो को रोककर, और अगर मेहनत पसंद आ रही है तो वीडियो को अभी जाके लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, चलो कैसे करना है, देखो पहले ऑप्शंस देखते हैं, वैल्यू एक्स की पावर एक्स निकालना है, तो सबसे पहले एक्स की वैल्यू निकाल के देखो कौन सी सेटिस्फाई कर रही है। नहीं, एक सेकेंड, इसमें निकालना क्या है, एक्स निकालना है। अच्छा, जैसे अगर ये होगा बाई चांस आंसर, तो ये 3 की पावर 3 बन रहा होगा, एक सेकेंड, 27 क्या होता है, 3 पावर 3 होता है ना, तो 3 की पावर 3 बन रहा होगा, ये 2 की पावर 3 बन रहा होगा, हमें तो x x चाहिए, सेम चाहिए, ये तो अलग अलग है ना, तो ये तो होगा ही नहीं। ठीक है, ये 6 की पावर 3 होता है, 36 × 6 6 8 3 13 सही है, 216 होता, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, ये देखें तो ये होता है, तो ये भी नहीं होगा, ऑप्शन नहीं, एक बचा। ठीक, ऐसे भी कर सकते हो, अब कॉन्सेप्ट चलिए आओ, देखो ऑप्शन से आंसर निकालना गलत नहीं है, पर तुम्हें मेथड आना चाहिए, वो जरूरी है। टॉपर हमेशा सारे क्वेश्चन सोल्व थोड़ी करता है, कुछ ऑप्शन से भी लगाता है यार, टॉपर बनना है नहीं बनना। अरे 3 की पावर x माइनस 3 की पावर
एक्स माइनस वन इज इक्वल टू 18v1 है, ठीक है। वही 3 की पावर एक्स लिखेंगे, इसको हम 3 की पावर एक्स इंटू 3 की पावर माइनस वन लिख सकते हैं, क्योंकि बेस सेम है तो पावर एड सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं। इसको सोल्व करेंगे तो ये बन रहा होगा 18, ठीक है। इसमें से 3 की पावर एक्स कॉमन लिया, अंदर बचा 3 की पावर माइनस वन इक्वल टू 18, ठीक है। 3 की पावर एक्स यहाँ पर 1 माइनस में पावर है तो ये नीचे चला जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 18 इतना आ रहा है, ठीक है। अब एलसीएम लोगे 3 तो ये बन रहा होगा ब्रैकेट के अंदर 2/3 इक्वल टू 18, 2/3 को उधर भेजोगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो 3 की पावर एक्स इक्वल टू 927 बन रहा हो, लिख आ गया। थ्री की पावर एक्स इक्वल टू 27 बन रहा होगा, ठीक है। 27 को क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 3, ठीक है। बेस सेम तो पावर इक्वल, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी 3, एक्स की वैल्यू आएगी 3, निकालना है क्या एक्स की पावर एक्स, तो 3 की पावर 3 क्या होता है 27, तो यहाँ से भी अपना ऑप्शन ए ही आ रहा है, ठीक है। चलें आगे, चलिए अगला क्वेश्चन। हर क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट है, हर क्वेश्चन में, एक सेकेंड, इसके अलावा यार कुछ क्वेश्चन और थे मेरे पास अभी। चलिए मैं बताता हूँ क्वेश्चन, लिखिए। ये टाइपिंग करने में यार थोड़ा प्रॉब्लम आता है। अरे आगे क्वेश्चन है, आजा आजा आजा, ठीक है, चलो लिखो। √40 + (9 और √81 है, ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी है। ऑप्शन ए है √111, बी है 9, सी है 7 और डी है 11, करो करो एक बार ट्राई करो, इसकी वीडियो को रोकना है, ट्राई करना है, करूँ कैसे करोगे? देखो √81 क्या होता है, इससे अच्छे अच्छे क्वेश्चन हो रहे हैं, अभी आगे देखते जाओ बस। 9 √81 क्या होगा, 9 भाई √81 है तो अंडर √81 9 ही होता है ना, तो 9 बाहर निकलेगा, ठीक 9 है, ठीक है। अंदर क्या बनेगा, 40 + 81 बनेगा, 81 + 40 क्या होता है 121 होता है, और 121 किसका अंडर रूट होता है 11 का, ऑप्शन डी, ठीक है, इजी था। चलिए अगला, अगला क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है, एक्स माइनस √24, ठीक है, √75 + √50, इसमें एक नया कॉन्सेप्ट बताऊंगा, ये तुमने टेंथ में पढ़ा होगा ये चीज़ें कि रूट दिखते हमेशा रेशनलाइजेशन करना पड़ता है यार, ठीक है। इक्वल टू है तुम्हारा 1, एक्स की वैल्यू निकालो, ऑप्शन दे लिख लो, √5, 2√5 और ये क्या हो गया 3√5, करो ट्राई करो। x − √24 ब्रैकेट के अंदर √75 + √50, ठीक है, नीचे है √75 - √50 इक्वल टू में 1 गिवन है, ठीक है, ट्राई करो इसको। तो ये माइक, चलिए बताऊं ऑप्शन हटा दूं, रहने दो यार, फिर बोलोगे ऑप्शन गायब कर दिए, ठीक है। देखो इसको यहीं रहने दो, x − √24 है, इसको यहीं रहने दो, ठीक है भाई, इसको उधर भेज दे, भेज दे, दिक्कत है, ठीक है,
ये नीचे आएगा, इतना सही है। अब एक चीज याद रखना, कभी भी रूट नीचे देखे तो हमेशा रेशनलाइजेशन करना है। रेशनलाइजेशन मतलब क्या होता है? रेशनलाइजेशन क्या होता है? जैसे 1/3 + √2 है, तो रेशनलाइजेशन का मतलब होता है कि इसी को अपन ऐसे लिख देंगे 3 - √2 और 3 - √2 से ऊपर नीचे डिवाइड कर देंगे। अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ माइनस से होगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ पे प्लस से होगा। ठीक है, ये हटा लेना, तो ये क्या बचेगा? 3 - √2 पर बनेगा और ये a प्लस बी और a माइनस बी की फॉर्म में बनेगा, जो कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल होता है। जैसे √3 + 2 और √3 - 2 हो तो ये a प्लस बी और a माइनस बी की फॉर्म में है, तो ये हमेशा √3 का स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर की फॉर्म में बनेगा। √3 का स्क्वायर 3 और -2 - 4 तो -1 आंसर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आए 3 का स्क्वायर - √2 का स्क्वायर क्या बनेगा? 3 - √2, ये 3 का स्क्वायर 9 √2 का 4, तो नीचे क्या बन रहा होगा? 5, और ऊपर बन रहा होगा 3 - √2। एक एज ए एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि क्या होता है इसका मतलब। ठीक है, अब क्वेश्चन पे आओ, रेशनलाइजेशन मतलब समझा रहा था। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल को लिख लेना चाहिए, बस याद रखना a प्लस बी और a माइनस बी अगर कभी भी बने तो वो हमेशा a² - b² होता है। तो रेशनलाइजेशन करेंगे, यहाँ पे क्या है? प्लस, या किससे करना होगा अपन को? माइनस से, √75 - √50 से ऊपर और उसी से हमें नीचे करना होगा। ठीक है भाई, a प्लस बी a माइनस बी बना तो ये तो 75 का √75 का स्क्वायर - √50 का स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ a माइनस बी बन रहा है। कभी ऐसा बने क्या करोगे? क्या होता है इसका मतलब? a माइनस बी का होल स्क्वायर ही तो होता है भाई, सेम दो बार है, स्क्वायर ही हो गया। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? a² - 2ab + b² होता है। ठीक है, ऊपर स्क्वायर बन रहा होगा, √75 - √50 का स्क्वायर। ठीक है, नीचे क्या बन रहा होगा? √75 का स्क्वायर मतलब a² - b² जी करा रहा हूँ, इसलिए ज़्यादा लग रहा है कि तुम्हें बड़ा लेंथी क्वेश्चन लेंथ देनी है, ये सोल्व करा रहा हूँ इसलिए किस टाइम, इसलिए ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो √75 - √50 स्क्वायर क्या होगा? a² मतलब 75 + b² + 50 - 2ab, तो 2 75 × √50। ठीक है, अपन में 75 का √75 का स्क्वायर 75 और √50 का स्क्वायर 50, तो 75 - 50 = 25 बन रहा होगा नीचे। ठीक है, ये रब कर दूँ, ऑप्शन हटा के दो यार, एक्स वैल्यू ठीक है, √√24 है ना। ठीक है, ये लिख लेना, चलो क्या बना साइड में, क्या था अपना? x - √24। इस गल टू क्या बना अपना? 125 माइनस में ठीक है 2। √75 को क्या लिख सकता हूँ मैं? 25 × 3। ठीक है, और √50 को क्या लिख सकता हूँ मैं? 25 × 2। ठीक है, नीचे 25 है ये अपना। ठीक है, आगे 125 - 2 भाई, रूट में 2 बार 25 है तो एक बार बाहर आ जाएगा। अरे ऐसे होता है ना, 9 × 9 है, सिर्फ 9 ही आता है, मतलब 9 का स्क्वायर है अंदर, 9 बाहर आएगा ना, तो इसमें क्या है? √25 का स्क्वायर बन रहा होगा अंदर, और स्क्वायर हटाओगे तो रूट बैठ जाएगा। ठीक है, अंदर क्या बच रहा होगा? √3 × 2, तो √6 बन रहा होगा, अपॉन में 25 बन रहा होगा। तो 25 को मैं 25 × 5 लिख सकता हूँ भाई, इसको 25 × 5 लिख सकता हूँ। ठीक है, इसको लिख दूँ ही 25 × 5, इतना समझा? 25 कॉमन निकाल लूँ बाहर, कॉमन निकाला बाहर, अंदर बचा होगा 5 - √2 √6। ठीक है, तो ये 25, इतना समझाया गया?
बच रहा होगा 5 माइनस 2 रूट 6 इक्वल टू में तुम्हारा x माइनस रूट 24, और रूट 24 को मैं रूट 4 इंटू 6 लिख सकता हूँ, ठीक है। और रूट 4 क्या होता है, 2, और अंदर क्या बचा, रूट 6। तो ये बन रहा होगा x माइनस 2 रूट 6 इक्वल टू 5 माइनस 2 रूट 6। सेम सेम इक्वल हो अगर तो ये कट जाएंगे, तो x की वैल्यू क्या आएगी, 5। तो 5 अपना राइट आंसर होगा, ठीक है। था थोड़ा बड़ा क्योंकि समझा रहा था कि स्टेप्स अगर तुम पेपर में करोगे तो टाइम नहीं लगेगा, तो तुम्हारी स्पीड अच्छी है तो, ठीक है। पर कॉन्सेप्ट समझ आया ना, करना कैसे ऐसे क्वेश्चंस को, रेशनलाइजेशन हमें याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन गया, चलो लिखो। एक क्वेश्चन है, 2 की पावर 250, 3 की पावर 150, 5 की पावर 100 और 4 की पावर 200। इसमें निकालना है कि सबसे बड़ा और सबसे छोटा कौन सा है। करो, 4 नंबर हैं, इसमें से निकालो कि सबसे बड़ा और सबसे छोटा कौन सा है। वीडियो को रोको, ट्राई करो। देखो करना कैसे है, ऐसे क्वेश्चन कभी भी आ जाए तो क्या करोगे, अगर पावर है, पावर अगर फ्रैक्शन में है उसका अलग क्वेश्चन है, अगर पावर सिंपल फॉर्म में गिवन है तो हमेशा इनका एचसीएफ लेना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होगा, 50 50 50 50 सब में सेम आ रहा होगा, इसे 15 इंटू 5 बोल सकते हैं, इसे 15 इंटू 3, इसे 15 इंटू 2, इसे 15 इंटू 4, तो एचसीएफ क्या होगा, 50। ये पूरा बताया हुआ है कि एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालते हैं, पॉइंट्स के लेक्चर में सब कुछ बताया हुआ है कि एलसीएम और एचसीएफ निकालने की ट्रिक्स भी बताई हुई है, अगर पढ़ते हो तो, ठीक है। चलो, तो एचसीएफ क्या होगा, 50। तो हमें जो भी एचसीएफ आया अपना 50, तो 50 से सभी पावर को डिवाइड करना है, डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा, 5, ठीक है। 3 की पावर 3 बचेगा, 5 की पावर 2 बचेगा और 4 की पावर 4 बचेगा। ये क्या होता है, 32, ये क्या होता है, 27, ये क्या होता है, 25, और ये क्या होता है, 64। सबसे बड़ा कौन, सबसे बड़ा रुपया, सबसे बड़ा 64, ठीक है, सही है ना, 16, ठीक है। एक सेकेंड, 64 थोड़ी आएगा रही, हाँ और कर रहे हो, 4 की पावर 4, 64 into 4 कितना आएगा, 256 आएगा ना, 16 का स्क्वायर, हाँ 256 आना चाहिए। सबसे बड़ा ये है, उससे छोटा ये है, उससे छोटा ये और उससे छोटा ये, ठीक है, हुआ क्लियर। क्या करना है, अगर पावर कभी सिंपल फॉर्म में गिवन हो तो उनका एचसीएफ लेना है और सभी पावर को उनसे डिवाइड करते जाना है, और फिर ये जो भी फॉर्म में निकले उनको देख लेना कि कौन सी वैल्यू बड़ी है, वही बड़ी होगी और वही छोटी होगी, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, अरे यार ये एक फ्रैक्शन वाला और है, ये भी कर लो यार, 2 की पावर 1/4, 3 की पावर 1/2, 5 की पावर 1/4, 7 की पावर 1/3, बताओ सबसे बड़ा और छोटा कौन सा है। चलो सबसे बड़ा और सबसे छोटा निकालना है, देखो कैसे करना है, पावर अगर सिंपल हो तो बताया एचसीएफ लेना है, और पावर अगर कभी भी फ्रैक्शन में हो तो इन सब का एलसीएम लेना है। क्या आएगा एलसीएम इनका, 12, 4 2 8 होगा और 8 और 3 12 होगा, नहीं ठीक, 12 एलसीएम आएगा और कुछ नहीं, तो 2 की पावर 12/4, जो भी एलसीएम आए उनसे इसको मल्टीप्लाई करना है बस। ये ट्रिक है ऐसे क्वेश्चन की सोल्व करने की, इन्हें लिख लो, ठीक है। क्या बनेगा ये, 2 की पावर 3, ये बनेगा 3 की पावर 6, 6 बनेगा, बिल्कुल बनेगा, 5 की पावर 3 बनेगा, और ये बनेगा 7 की पावर 4, ठीक है। ये क्या होता है अपना, 8, 3 की पावर 6 क्या होता है, 81 into 9 बोले तो 729, सही है, 729,
सही है ना, 91 सॉरी 999, ठीक है ना, यह ग्रुप 729 होता है और इसका 125 होता है और 7 की पावर 4, 7 स्क्वायर क्या होता है 49, और 49 49 का स्क्वायर क्या होता है 01, 25 माइनस 1 24, 2401, ये सब बताया हुआ है कि स्क्वायर कैसे निकालते हैं, ठीक है। सबसे बड़ा कौन सा आया, ये वाला, सबसे छोटा ये वाला, ठीक है, इजी। बस ये याद रखना है, अगर पावर सिंपल में हो तो एचसीएफ से डिवाइड करना है, और अगर पावर अगर फ्रैक्शन में हो तो इनका एलसीएम लेना है और उससे इनको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करिए, ठीक, ये अच्छा क्वेश्चन है। ए की पावर बी एक्स माइनस वन और बी की बी बाय ए, सॉरी ए बाय बी है वो, बी पावर ए नहीं है, ठीक है, ये होगा एक्स माइनस थ्री। तो यहाँ से अपन को एक्स की वैल्यू निकालनी है, करो ट्राई। देखो पहले ट्राई करो, उसके बाद समझना सॉल्यूशन। देखो अगर मैं पूछूं कि वन बाय एक्स को क्या लिख सकते हो, एक्स की पावर माइनस वन लिख सकते हो, ठीक है, इसके अलावा ए बाय बी और सी बाय डी की फॉर्म में अगर कोई चीज़ हो तो कैसे लिखते हो, डी को ए के पास और सी को बी के पास, मतलब ए इंटू डी और बी इंटू सी लिखते हो, इतना समझ आता है। चलो ए बाय बी है, अगर ये भी ए बाय बी बन जाए, कैसे भी अगर ये ए बाय बी बन जाए तो पावर इक्वल नहीं कर दोगे, बताया हुआ है ना कि एक्स एक्स हो, ये ए हो, ये बी हो, अगर बेस सेम हो तो पावर इक्वल हो जाती है, हो जाती है। तो अगर ये ए बाई बी बन जाए कैसे भी तो हम पावर इक्वल कर देंगे, ठीक है। अब इसको बनाएं कैसे, अरे देखिए मैं इसको अगर ऐसे लिखूं, वन ए बाई बी, कोई दिक्कत, अभी बताया ए बाई बी सी बाई डी की फॉर्म में कोई चीज हो तो ये ऊपर जाएगी और इसके नीचे, मैं इसको दोबारा लिखूंगा तो ये तो बनेगा बी बाई ए, बनेगा ना, इतना क्लियर, ठीक है। अब मेरे पास अगर कोई चीज ऐसे है, ठीक है, मैं अगर एक्स को ऊपर ले दूं तो पावर माइनस हो जाएगी, तो ऐसे हो जाएगी पावर, ठीक है, हो जाएगी। सब चीज बताई हुई है कि अगर कोई पावर कोई भी वैल्यू नीचे है, अगर ऊपर लेके जा रहे हो तो उसकी जो पावर है वो माइनस में हो जाती है। तो इसको लेके जाऊँ अगर मैं ऊपर का ऊपर सीधा का सीधा, तो ये ऐसे ही बनेगा, बिल्कुल बनेगा, ठीक है, बन गया अपना माइनस में, ये अपना था ही ऐसा एक्स माइनस वन, ठीक है भाई, बेस सेम तो पावर इक्वल, तो x माइनस वन इजक्वल टू कर देंगे हम x माइनस थ्री के, तो ये बन रहा होगा x माइनस वन इजक्वल टू माइनस एक्स प्लस थ्री, माइनस है अगर इधर आएगा तो पॉजिटिव बनेगा, तो बनेगा 2x इक्वल टू में 4, तो x की वैल्यू क्या आएगी 2, ठीक है, बढ़ो आगे। चलो एक और क्वेश्चन, चलो ये अच्छा क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन अच्छे हैं यार। x की वैल्यू है रूट फाइव माइनस रूट फाइव माइनस टू, रूट फाइव माइनस टू और रूट फाइव प्लस टू, समझना है आराम से, ठीक है, निकालना क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर माइनस टू, इसको ऐसे भी लिख सकते हो ना, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर, वही बात है, माइनस टू है पावर में, ऑप्शन नहीं है। चलो करो, एक्स इक्वल टू गिवन है रूट फाइव माइनस टू और रूट फाइव प्लस टू और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर माइनस टू निकालना है, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय स्क्वायर निकालना है। चलो देखो रूट है, बताया था जहाँ रूट दिख जाए वहाँ रेशनलाइजेशन करना है, क्या करोगे, रूट फाइव माइनस टू का रूट फाइव माइनस टू सीधा लिख दो, इधर रूट फाइव प्लस में टू है तो ये प्लस में है तो माइनस से होगा, इतना क्लियर, ठीक है, ये सेम सेम, तो
तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा होगा, तो रूट, अरे यार, रूट फाइव माइनस टू का होल स्क्वायर बन रहा होगा, और नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा होगा, मतलब a का स्क्वायर रूट फाइव का स्क्वायर फाइव और टू का स्क्वायर फोर, तो रूट फाइव फाइव माइनस फोर क्या हो रहा होगा, वन आ रहा होगा, इसको हटा दो तो वन बन रहा नीचे, तो इसको लिखो ही मत, इसको सोल्व करो। ए का स्क्वायर मतलब रूट फाइव का स्क्वायर तो फाइव, बी का स्क्वायर फोर माइनस टू ए बी, तो फोर रूट फाइव इज इक्वल टू अपना एक्स आ रहा है, ठीक है। तो मैं अगर बोलूँ तो नाइन माइनस फोर रूट फाइव आ रहा है, इतना तो क्लियर है, नाइन माइनस फोर रूट फाइव आ रहा है एक्स की वैल्यू, ठीक है। निकालना क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई स्क्वायर, ठीक है। अब ध्यान से देखना, क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, लिख सकता हूं, और इसको ओपन करूंगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय स्क्वायर प्लस टू इंटू एक्स इंटू वन बाय एक्स, तो एक्स एक्स कट जाएगा, कट जाएगा, क्या हो रहा है ये, ए बी ऐसे होता है, ये तो कट ही जाएगा, तो टू बचेगा, तो टू में माइनस टू कर दोगे तो यही तो बन रहा होगा, तो मतलब ये सेम है, ठीक है भाई। इसको बता दूँ, समझते जाओ बस, एक एक स्टेप समझते जाओ धीरे धीरे। और अभी बताया था कि अगर ये इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, नाइन माइनस फोर रूट फाइव का, नाइन प्लस फोर रूट फाइव होगा, या ऐसे लिखूँ मैं कि नाइन माइनस फोर रूट फाइव इक्वल टू होता है वन बाय नाइन प्लस फोर रूट फाइव के, होता है, ठीक है भाई। अब देखो एक्स क्या था अपना, नाइन माइनस रूट फोर रूट फाइव, ठीक है। अगर मैं वन बाय एक्स को लिखूँ, ऐसे लिखोगे ना नाइन माइनस फोर रूट फाइव, तो मैं इसे ऐसे नहीं लिख सकता क्या, ध्यान समझना, इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं, अभी बताया कॉन्जुगेट, पहले बताया था, इनको लिख लो कॉन्जुगेट क्या होते हैं, कि ये नाइन माइनस फोर रूट फाइव इक्वल टू होगा वन बाई नाइन, वन अपॉन में नाइन प्लस फोर रूट फाइव के, या नाइन प्लस फोर रूट फाइव इक्वल टू होगा वन अपॉन में नाइन नाइन माइनस फोर रूट फाइव के, ठीक है। तो ये वन अपॉन नाइन माइनस फोर रूट फाइव को ये लिख सकता हूँ, ठीक है, चलो ये लिख दिया, इसको मैं नाइन प्लस फोर रूट फाइव लिख सकता हूँ, और माइनस में क्या है अपना बाहर स्क्वायर करके टू है, ठीक है भाई, गया, क्या बचा ब्रैकेट के अंदर, एटीन का स्क्वायर माइनस टू, अब एटीन का स्क्वायर क्या होता है, थ्री ट्वेंटी फोर माइनस टू, आंसर क्या आ रहा होगा अपना, थ्री ट्वेंटी टू, आया समझ में। बस ये चीज़ याद रखनी है कि कॉन्जुगेट वाली चीज़ याद रखनी है कि a प्लस रूट बी और a माइनस रूट बी एक दूसरे के कॉन्जुगेट होते हैं, और ये चीज़ याद रखनी है बस, कि इनको ऐसे लिख सकते हैं, इन इन चीज़ों से बहुत हेल्प मिलती है क्वेश्चन में, ठीक है। और क्वेश्चन, और तो यार ठीक है, चलो एक और करा लो, एक और कर लो, देखो ये चीज़ तुमने देखी होगी बहुत बार, देखे ऐसे क्वेश्चन कभी, दिखने में लगता है पता नहीं क्या ही है, इक्वल टू एक्स है, रूट टू के अंदर प्लस रूट टू प्लस रूट टू प्लस रूट टू, जाया जा रहा है, जाया जा रहा है, इन्फिनिटी तक जाया जा रहा है, ये क्वेश्चन है, एक्स की वैल्यू निकालो। देखो एक बात बताओ सबसे पहले, अगर समुंदर में से मैं एक पानी बाल्टी की निकाल लूं तो कोई फर्क पड़ेगा भाई, अगर एक बाल्टी है उसमें से अगर मैं एक जग पानी निकालूं तो फर्क पड़ता है, कुछ पानी लिमिटेड है, अगर मैं समुद्र में से पानी एक बाल्टी पानी निकालूं तो कोई फर्क पड़ेगा, मैं कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। देख इसमें ऐसे करते हैं कि ये पूरा एक्स के इक्वल है और ये इन्फिनिटी तक है, इन्फिनिटी मतलब पता ही नहीं कहाँ तक जा रहा है, ठीक है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको भाई, पूरा एक्स के इक्वल है ना, तो मैं इसको अगर ऐसे लिख दूँ तो कोई दिक्कत है भाई, ये x के इक्वल है पूरा, तो ये पूरा x के इक्वल होगा, ठीक है। अब ये पूरा लग गया यार,
स्क्वायर कर दो दोनों साइड, कर सकते हैं ना स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो बन रहा होगा 2 + x, रूट हट जाएगा और वो एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 = 0, क्या बनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। या तो इसको तुम रूट से सोल्व कर सकते हो क्या यार, एक्स स्क्वायर माइनस 2x + 1 करूं, -2 = 0, स्प्लिटिंग से करें, सही है, माइनस एक्स बन रहा है माइनस टू भी बन रहा है, ठीक है, सॉरी ठीक है, सही है, -2x + 2, x कॉमन लूँ -2 बचेगा, +1 कॉमन लूँ तो x -2 बचेगा, ये क्वाड्रेटिक चीज़ें हैं, ठीक है। तो क्या कॉमन आएगा, x - 2 और x + 1 = 0, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0 है, या तो ये 0 या वो 0, तो x = या तो 2 होगा या -1 होगा, ठीक है, ऑप्शन में होगा ये आंसर, तो वही आंसर करना है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी कभी, अरे रूट 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 के अंदर कभी वैल्यू नेगेटिव आती है कि बाहर नहीं आती, तो अपना ऑप्शन यही आंसर होगा, इसको भूल जाओ, ठीक है, हुआ क्लियर। इसके अंदर तुम्हें 4 भी दे सकता है, 5 भी दे सकता है, 8, 2 कुछ भी दे सकता है, कॉन्सेप्ट समझ आया है ना क्या करना है, कर लोगे, ठीक है। एक और चीज बताऊं, ऐसा हो तो क्या करोगे, वही सेम चीज, ठीक है, स्क्वायर इक्वल टू 0, इसका मतलब होता है कि x कॉमन लिया x - 3, या तो ये इक्वल टू 0 या ये इक्वल टू 0, ये मैथ वाले समझ रहे होंगे, ऐसे ही होता है, क्या आएगी x वैल्यू 3 और 0, इसकी वैल्यू कभी 0 आ सकती है क्या, कभी 0 नहीं आएगी, इसकी वैल्यू क्या आएगी, अप्रोक्सीमेट 3 आएगी, ठीक है, इन्फिनिटी तक जा रहे हैं, इन्फिनिटी तक ये, ठीक है। और कोई क्वेश्चन तो नहीं है यार, ठीक है, देखो मैंने ट्राई किया है कि जितना हो पाया मैंने ट्राई किया है, एक से एक क्वेश्चन में लेके आया हूँ, अगर फिर भी कोई क्वेश्चन रह गया हो या कोई फिर भी कोई डाउट रह गया हो तुम्हारा, तो मैं क्षमा चाहता हूँ उसके लिए। आज की वीडियो में इतना ही रखेंगे, तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनी पढ़ाइयों को जोर शोर से करते रहिए, धन्यवाद।